नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई लेके उपस्थित हुआ हूँ। यह विनोद कंपनी का है। मेरा नाम भी विनोद कुमार है और मैं vkscience.com के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। यह कढ़ाई मुझे बहुत पसंद आई और इसी के कारण से इस वीडियो को हम लोग शूट कर रहे हैं, ताकि लोगों में अवेयरनेस हो, हमारे दर्शक समझ सके कि यह क्यों अभी ज़रूरी होते जा रहा है स्टेनलेस की कढ़ाई को खाने के लिए उपयोग करना। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट है, हमने इसको फ्लिपकार्ट से मंगवाया है और इसकी जो लीड है वो काफ़ी सुंदर क्वालिटी का हमें देखने को मिल रहा है। ये बहुत हैवी भी है और बहुत अच्छे से हम लोग इसको पकड़ सकते हैं। इसी के साथ इसमें एक वारंटी कार्ड भी मिला है जो 5 ईयर्स की वारंटी देता है, 60 मंथ्स की वारंटी देता है। इसमें 3 लेयर्स का ये बना हुआ है, काफ़ी शीशे की तरह चमक रहा है। आउटर कोटिंग जो है वो बहुत ही खूबसूरत है और जो इसका हैंडल है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो ये लॉन्ग लास्टिंग है, काफ़ी साल चलेंगे, सालों साल चलेंगे ये कढ़ाइयाँ ऐसी। और ये 3 लेयर्स में मिला है हमें। फर्स्ट है जो 430 स्टेनलेस स्टील का है आउटर, और जो इनर वन है वो 304 स्टेनलेस स्टील का फूड ग्रेड है, और यह बहुत अच्छा क्वालिटी का है फूड ग्रेड होने के वजह से। और इसके बीच वाला जो है वो एल्युमिनियम का है बना हुआ है। तो 3 लेयर्स में ये अवेलेबल है, इससे हमारा कुकिंग फास्ट हो जाता है। साथ ही साथ ये कंपनी बोलती है कि इसका जो 30 सेंटीमीटर का ये आता है विथ लीड, और टोटल कैपेसिटी अभी इसका जो है वो 4.5 लीटर का है, 4.5 लीटर का है यह। और यह इलेक्ट्रिक हीटर्स के लिए, इंडक्शन के लिए, गैस के लिए, सिरामिक और हैलोजन के लिए भी उतना ही उपयोगी है। आप इसे डिश वॉशर में भी धो सकते हैं, लेकिन कंपनी रिकमेंड करती है कि आप इसे जेंटल हाथों से स्पॉन्ज के साथ, क्लींजर के साथ धोएं तो ज़्यादा इसका शाइन बना रहेगा। अब हम लोग इसके बारे में समझते हैं कि ये बहुत अच्छे क्वालिटी का होने की वजह से कंपनी ये भी बोलती है कि आप इसे ओवन में भी यूज़ करते हैं, बट आई एम अफ्रेड दैट इसमें कुछ थोड़ा टेढ़ा वगैरह ना हो, थोड़ा फटे नहीं, इसलिए भी कॉशस अगर आप इसको ओवन में यूज़ कर रहे हैं, कम टेम्परेचर पर शायद यूज़ किया जा सकता है। यूज़ करने से पहले मैं इसको बता दूं कि आपको इसे अच्छे से क्लीन करना है, गर्म पानी में इसको धो लीजिए, और सबसे पहले आप जब यूज़ करने जा रहे हैं थोड़ा इसको प्री हीट कर लीजिए 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम टेम्परेचर पर, मीडियम गैस हीट पर आप इसको कर सकते हैं, और तब ही इसके बाद आप ऑयल या घी का यूज़ करके अपने खाने के सामान को इसमें बना सकते हैं। अब हम लोग आते हैं कि इसका, इस वीडियो को शूट करने के पीछे क्या मकसद है। असली जो पर्पस ये था कि हमारे पास टेफ्लॉन कोटिंग भी कुकवेयर्स हैं, कढ़ाइयाँ हैं, बर्तन हैं, लेकिन हमने उसको छोड़ दिया क्योंकि बहुत सारे रिसर्च आ रहे हैं कि टेफ्लॉन से जो केमिकल्स निकल रहे हैं वो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं, और जो आयरन की कढ़ाइयाँ होती हैं उसमें अक्सर रस्ट लगता है, और रस्ट बॉडी में भी कभी कभी जाता है, बार बार उसको धोना पड़ता है, इसलिए हमने हैंडिलियम भी छोड़ दिया। और अभी हम लोग इस पर आए हैं कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा होने जा रहा है, इसी अवेयरनेस को हम लोग इसमें दिखा रहे हैं। इसका जो प्राइस है वो 4090 रुपीज़ है, लेकिन कंपनी ने हमें इसको लगभग 29% का रिबेट करके 2890 रुपीज़ में हमें टोटल मिला है। तो मैं सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि इसको, इस तरह की कढ़ाइयों को उपयोग करने से हमारे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा रहेगा, और इसीलिए हमने इसको वीके साइंस में यहाँ पर एक छोटा सा वीडियो शूट कर रहे हैं। और आप इसको यूज़ कीजिए, इससे अवेयर होइए, इसी पर्पस के साथ आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।